इंडस्ट्री के अंदर कोई ही ऐसा शख्स होगा जो ड्रामा क्वीन को नहीं जानता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राखी सावंत की। बता दें कि एक्ट्रेस राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियों में है। खबर है कि वह सलमान खान के टॉप शो बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री करेंगी। बता दें कि शो के निर्माताओं ने टीआरपी बढ़ाने के लिए राखी सावंत को शो में बुलाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार राखी सावंत शो में अपने पूर्व पति आदिल दुरानी के साथ वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकती है। लेकिन खबर यह भी है कि राखी शो में आदिल संग नहीं बल्कि अकेले ही वाइल्ड कार्ड एंट्री करेंगी। आपको बता दें कि खुद राखी सावंत ने कहा है कि वह बिग बॉस 17 में एंट्री लेने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वह आदिल के साथ नहीं बल्कि अकेले ही आएंगी। राखी ने कहा कि यह खबर गलत है कि मैं आदिल के साथ बिग बॉस में जा रही हूं। यह तय है कि मैं जा रही हूं, लेकिन आदिल के साथ नहीं। वह सिर्फ मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। उसने मुझसे शादी की ताकि वह मेरा इस्तेमाल कर सके। हम इसके साथ ही आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में राखी पहले भी कई बार जा चुकी है। बता दें कि अभिनेत्री बिग बॉस के पहले सीजन में आई थी। इसके बाद से बिग बॉस के निर्माता शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्हें बुलाते रहते हैं। बता दें कि बिग बॉस 17 को शुरू हुए 5 सप्ताह पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दर्शकों को कुछ खास मनोरंजन देखने को नहीं मिल रहा है। इस सीजन की टीआरपी बढ़ाने के लिए मेकर्स घर में नए नए ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। अब ऐसे में शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए राखी सावंत को बुलाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जनता दरबार।